हेलो फ्रेंड्स, आज हम चने चाट की रेसिपी लेकर आए हैं। देखिए, चने को हमने 8 घंटा भिगा लिया था। इसको कुकर में ऐड करेंगे। पानी ऐड करके, आधा चम्मच नमक ऐड करके इसको 3 सीटी लगा लेंगे। देखिए, चना बॉयल हो चुका है। कढ़ाई गरम हो गया है, इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे, एक पिंच हींग ऐड करके इसको भूनेंगे। एक मीडियम साइज का प्याज को हमने बारीक कट कर लिया है, इसको फ्राई कर लेते हैं। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। देखिए, 1 चम्मच धनिया जीरा को हमने मिक्स किया था ऐड कर दिया है, हल्दी पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ा पानी ऐड करके मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला 1/2 चम्मच ऐड करेंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। देखिए, प्याज का कलर चेंज हो गया है। इसमें मसाले को ऐड करके इसको भून लेंगे। मसाला तेल छोड़ चुका है, इसमें चने को ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक इसको पका लेंगे। देखिए, चना पक चुका है। गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। देखिए, चने को हमने दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। इसमें 2 उबले हुए आलू को मैश करके ऐड किया है, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, चाट मसाला, काला नमक, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, चटनी, ग्रीन चटनी ऐड किए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और नमक ऐड कर देते हैं, नमक थोड़ा कम था। थोड़ा नींबू ऐड करेंगे। चना चाट हमारा रेडी हो चुका है, हम सर्व कर लेते हैं। अब इसमें बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। काफ़ी टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धनिया पत्ते को ऐड कर दिए हैं। नींबू निचोड़ लेंगे थोड़ा।